हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अमित गुप्ता है। मैं एक न्यूरोसर्जन और एक स्पाइन सर्जन हूँ। आज मैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूँगा जो कि हर स्पाइन का पेशेंट सफ़र करता है, चाहे जिनको भी डिस्क प्रोलैप्स हो या कमर में दर्द हो या शियाटिका का पेन हो। तो सपोज़ किसी को 1 मंथ से या 6 मंथ से अगर पेन है, बैक पेन है या लेग में पेन जा रहा है, तो वो क्या करते हैं? पहले तो वो कोशिश करते हैं कि अपने आसपास के केमिस्ट से या घर पे जो पेन किलर पड़ी हुई है वो खा के काम चलाते रहते हैं। अब क्या है कि उससे नहीं आराम आ रहा, तो अपने यारों दोस्तों से या फैमिली मेम्बर से किसी से डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में, और वो जो भी उसका ट्रीटमेंट बताते हैं, जैसे किसी ने बताया कि फलानी एक्सरसाइज करें या खाने में ये चेंज कर दें, हल्दी का दूध पी लें या इस टाइप की डिफरेंट चीज़ें। हर आदमी जो है अपना सजेशन देता है, वो ट्राई करता है, फिर भी कमर में जो बैक पेन है उसमें आराम नहीं आया। तो नेक्स्ट वो आसपास जो भी फिजियोथेरेपिस्ट होता है उनके पास जाते हैं। अब 2 वीक्स के लिए या 1 मंथ के लिए फिजियोथेरेपी करा ली, बट कुछ दिनों तक तो पेन ठीक था, फिर वैसे ही पेन शुरू हो गया। तो जो भी अपने आसपास जो भी डॉक्टर अवेलेबल है उनसे जाके मिलते हैं। अब सपोज़ डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिखी, पेन किलर लिखी और एक्सरे हमारे एडवाइस कर दिया, ने एक्सरे भी करा लिया, MRI भी करा लिया। एक्सरे में आया कि थोड़ा बहुत डीजनरेटिव चेंजेस हैं या स्मोलोसिस के चेंजेस हैं, या MRI में सपोज आया कि L4-5 पे डिस्क प्रोलैप्स है, L5-S1 पे डिस्क प्रोलैप्स है, कोई फेस्टल हाइपरट्रॉफी है, लॉस ऑफ कर्वेचर है स्पाइन का, ब्ला ब्ला करके एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट आ गई। ठीक है, अब उसके बाद थोड़े दिन दवाई खा ली, फिर दोबारा फिजियोथेरेपी करा ली, पेन वैसे का वैसे ही है। तो फिर उनके मन में आता है कि अब नेक्स्ट हम किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलें। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएं या न्यूरोसर्जन को दिखाएं, यानी कि हड्डी के डॉक्टर को दिखाएं या नसों के डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब देखिए, आप किसी भी अच्छे स्पाइन स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं, चाहे वो ऑर्थोपेडिशियन हो या न्यूरोसर्जन हो। अब अच्छा स्पाइन स्पेशलिस्ट जो होता है उसको आपको एग्जामिन करके या आपकी हिस्ट्री लेके आपको क्या क्या सिम्टम्स हैं, और कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं कि जिनको हम परफॉर्म करके ये पता लगा सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम की जो एग्जैक्ट वजह है वो क्या है, मतलब पेन कहाँ से आ रहा है, आपके पेन जनरेटर स्पाइन में कहाँ पे है, और उसी हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। और हम एग्जामिन करके ये भी बता सकते हैं काफ़ी हद तक कि ये पेन अपने आप टाइम के साथ ठीक हो जाएगा या हमें कोई इंटरवेंशन करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि लोग कोशिश करते हैं कि स्पाइन स्पेशलिस्ट से जाके ना मिलें, कि नहीं तो वो ऑपरेशन बता देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए स्पाइन या स्पाइन में जो पेन है उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब आपको ऑपरेशन नहीं चाहिए। मैक्सिमम केसेस में, या इवन मैं कहूँ कि 90% केसेस में, या तो ये मेडिसिन से या कुछ छोटे मोटे प्रोसीजर करके ये पेन जो है ठीक हो जाता है। तो आप चाहे ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएं चाहे न्यूरोसर्जन को दिखाएं, बट उनका डायग्नोसिस बहुत परफेक्ट होना चाहिए। और अच्छा स्पाइन सर्जन है उसको MRI देखने की जरूरत ही नहीं होती है, आपको एग्जामिन करके और आपकी हिस्ट्री लेके ही बता सकते हैं कि पेन कहाँ से आ रहा है और उसका क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो काफ़ी बार मैंने ये देखा है कि लोग जो है डॉक्टर को अपना MRI भेज देते हैं, डॉक्टर ने पेशेंट देखा ही नहीं होता और उस MRI के बेस पे वो पूछते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। देखिए MRI का थोड़ी ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट तो पेशेंट का करना है, तो जब तक डॉक्टर पेशेंट को देखेगा नहीं तो उसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि MRI में और पेशेंट के सिम्टम में कई बार बहुत ज़्यादा वेरिएशन होते हैं। सपोज MRI में राइट साइड की डिस्क निकली हुई है और पेशेंट को पेन लेफ्ट साइड है, तो इसलिए एग्जामिनेशन और हिस्ट्री इसी के बेस पे ही आप हम एग्जैक्ट डायग्नोस बना सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट है, तभी डिसाइड कर सकते हैं कि जब डायग्नोसिस ठीक होगा। तो आप ऐसे स्पाइन सर्जन से मिले कि जो आपकी हिस्ट्री सुन रहा है और जो आपको एग्जामिन कर रहा है ठीक से, ना कि जो आपका सिर्फ MRI देके ही आपको ट्रीटमेंट बता रहा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।